आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, चैप्टर 7 का प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक। अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है फ़ायदा और लॉस का मतलब होता है नुकसान। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी और आपको बाद में पता चला कि आपने वो चीज़ 10 रुपीज़ की खरीदी, आपको पता चला बाद में कि वही सेम चीज़ आपको दूसरी शॉप पर से 8 रुपीज़ की मिल रही है, तो आपको वहाँ लॉस हुआ 2 रुपीज़ का। और अगर दूसरी शॉप पर वो कॉस्टली मिलेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। अब इसमें कुछ टर्मोलॉजीज आती हैं, जैसे SP, सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जितने रुपीज़ में हमने बेचा, कॉस्ट प्राइस जितने रुपीज़ में हमने खरीदा। ओके, अब जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं हम, और लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस में आपका कॉस्ट प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा। फिर आता है आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट कैसे निकलता है? जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। कैसे निकलेगा? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ये हमेशा CP पर ही निकलते हैं, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकलेगा। देखते हैं लॉस परसेंट। लॉस परसेंट, लॉस अपॉन CP इंटू 100। एक नोट पॉइंट, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किए जाते हैं। अब आपके पास, हम आगे देखते हैं, टू फाइंड SP, SP अभी हमने पढ़ा, SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। व्हेन CP एंड प्रॉफिट या लॉस परसेंट आर गिवन, हमें SP फाइंड करना है जब हमें CP दे रखा हो और उसके साथ या तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, इन दोनों में से एक चीज़ दी हुई हो। देखो, इसके लिए जब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ हो तो ये फॉर्मूला है, और जब लॉस परसेंट दिया होगा तो ये फॉर्मूला है। प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है, लॉस हमेशा माइनस होता है। तो देखो, SP इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ देखो, 100 में प्रॉफिट परसेंट प्लस हुआ अपॉन 100 इंटू CP। और लॉस परसेंट जब निकाल लेंगे, जब लॉस दिया होगा तब SP निकालेंगे, तो 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा अपॉन 100 इंटू CP। बस छोटा सा चेंज है, अगर प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट, नहीं तो पूरा फॉर्मूला सेम है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, जब आपको CP फाइंड आउट करना हो, SP और प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया हुआ हो, तो क्या करेंगे? अभी हमने पीछे पढ़ा था आपसे SP फाइंड आउट करने का, यहाँ पे हम CP का फाइंड आउट कर रहे हैं। 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP, सेम लॉस परसेंट में होगा, लॉस परसेंट में माइनस हो जाएगा। देखो, ये बना कहाँ से ये फॉर्मूला? अभी हमने पीछे पढ़ा था, SP इज इक्वल्स टू 100 प्लस P अपॉन 100 इंटू CP, हमने ये पढ़ा था। देखो, हमें CP फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? ये 100 अपॉन में है, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। SP इंटू 100 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू CP। ये फॉर्मूला इससे बना है। दो, हम एक फॉर्मूले से सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। ओके, अब आता है आपका ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अमाउंट स्पेंड बाई ए रिटेलर ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द होलसेल और मैन्युफैक्चरर टू हिज शॉप इज रेफर्ड टू एज ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ द रिटेलर। देखो, ये क्या होता है, मान लीजिए आपके एक शॉप है, आपको वहाँ अपनी शॉप के लिए सामान लाना है, तो आप कहीं से फैक्ट्री से लाएंगे या जहाँ बन रहा है वहाँ से लाएंगे, तो उस फैक्ट्री से आप अपनी शॉप तक सामान जो लाएंगे उसके लिए जो आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यूज़ करेंगे, वो आपकी ओवरहेड एक्सपेंसेस में आएगी। ओके, वो आपकी ओवरहेड एक्सपेंसेस में आ जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए, आपकी शॉप से मैंने कुछ ख़रीदा, मैं कस्टमर हूँ, आपकी शॉप से मैं जब कुछ ख़रीदूँगी और उसके बाद उस
सामान को अपने घर तक लाने में जो खर्च करूँगी, पैसा, ट्रांसपोर्टेशन खर्च करूँगी, या मैंने कोई चीज़ खरीदी आपकी शॉप से, वो उसमें कुछ पैसे लगा के उसे और अच्छा कराया, तो वो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके कॉस्ट प्राइस में ऐड किए जाते हैं एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस, मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी और 20 रुपये उसे ठीक कराने में लगाए, तो टोटल 120 जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आएगी, वो टोटल दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगी वो मिलेगी। ओके, अब हम आगे देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, अ रिटेलर परचेज्ड एन आर्टिकल ऑफ ₹800 एंड सोल्ड इट टू अ कंज्यूमर फॉर ₹840। उसने आर्टिकल ख़रीदा था, कोई आर्टिकल का मतलब है यहाँ किसी सामान से, हम किसी भी सामान के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। उसने ₹800 का ख़रीदा था एंड सोल्ड इट टू अ कंज्यूमर, और किसी आदमी को, दूसरा जो कंज्यूम करने वाला आदमी है, जो कस्टमर है, उसे ₹840 में बेच दिया, सेल कर दिया। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो देखो हमें पता चल रहा है कि ख़रीदा 800 में था, बेचा 840 में है, तो यहाँ प्रॉफिट ही हो रहा है। देखो सीपी हो गया उसका 800, एसपी हो गया 840। यहाँ एसपी ग्रेटर देन सीपी है, और जब एसपी ग्रेटर देन सीपी है तो वहाँ गेन होगा। गेन कैसे होगा? गेन का हमें फॉर्मूला पता है, एसपी माइनस सीपी। तो हम 840 माइनस 800 करेंगे तो आ जाएगा आपका 40। ओके, 40 आ जाएगा। अब उसने हमसे परसेंटेज में कैलकुलेट करवाया था, तो हमें पता है गेन परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ, ₹40 का, सीपी था 800 इंटू 100, 100 से सीपी 8 टाइम्स गया और 8 से 40 5 टाइम्स गया, तो हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंट आए वो 5% आ गई। ओके, देख लो आप यहाँ पे गेन परसेंट हमारी 5% हो गई। चाहे वो गेन परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट, दोनों सेम होते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, रितु बॉट अ सेकेंड हैंड रेडियो सेट फॉर ₹455 एंड स्पेंड ₹145 ऑन द रिपेयर्स। अब उसने, जो रितु ने एक सेकेंड हैंड रेडियो ख़रीदा कितने रुपीज़ में, ₹455 में ये, एंड स्पेंड ₹145, उसने रिपेयरिंग पे ₹145 खर्च किए, यानी कि जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो उसका ₹145 हो गया, एंड सोल्ड इट फॉर ₹630, और उसने उसको सही कराने के बाद, रिपेयर कराने के बाद ₹630 में बेच दिया। तो अब हमें बताना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो हमें पता है, देखो सीपी कितना था, 455, ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने हो गए, 145, तो टोटल सीपी क्या हो गया, 455 प्लस 145, ये आ गया आपका 600, और एसपी आपका कितना है, एसपी है हमारा 630 यहाँ पे। अब हमें पता है एसपी आपका ग्रेटर है सीपी से, तो यहाँ प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी, तो 630 माइनस 600 इज इक्वल्स टू 30, आपको ₹30 का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, हमें पता है प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करते हैं, तो 30 अपॉन 600 इंटू 100, 100 से 600 6 टाइम्स जाएगा, 6 से 30 5 टाइम्स जाएगा। ओके, इस तरीके से हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। आगे इसका सॉल्यूशन देखो, एसपी ग्रेटर था सीपी से, तो प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, आ गया आपका ₹30 प्रॉफिट परसेंट के लिए, प्रॉफिट अपॉन सीपी इन 200। तो हमने ये कैलकुलेट करके आपका आंसर आ गया 5%। नेक्स्ट है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज प्रॉफिट ऑफ 10%। यहाँ हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 10%। इफ़ द आर्टिकल कॉस्ट हिम ₹410 और कॉस्ट प्राइस दे रखी है, हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है, यानी कि हमसे एसपी पूछा है आपका, ठीक है। तो देखो हमने लिख लिया कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ₹410, प्रॉफिट दिस। तो हमें पता है सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। बस हमने वैल्यूज रख दी, प्रॉफिट की जगह 10 रख दिया, आपका आ गया 110 अपॉन 100 इंटू 410।
आपका ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएंगे, 41 और आप 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 451 मिल जाएगा। तो जो आर्टिकल का रिक्वायर्ड एसपी होगा वो आपका 451 हो जाएगा। 451 इज़ योर आंसर। ओके, अब है एक्सरसाइज 7.4। फाइंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का है, फाइंड एसपी व्हेन सीपी इज इक्वल्स टू ₹840, गेन 20%। तो आपको सीपी और गेन दिया हुआ है। तो देखो सीपी हमने लिख लिया 840, गेन 20%। एसपी कैलकुलेट करना है, एसपी का फॉर्मूला लिखा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन सीपी। तो हमने वैल्यूज रख दी, 120 अपॉन 100 इंटू 840, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और 840 से 12 की मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 1008। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, इसमें हमें आपको सीपी फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन में हमने एसपी फाइंड किया था, अब हमें सीपी फाइंड करना है। हमें एसपी और लॉस दिया हुआ है, तो हमें पता है फॉर्मूला, सीपी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन एसपी। हमने वैल्यूज रख दी, कैलकुलेट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, हमारा आंसर है ₹750। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, अ बुक सेलर सप्लाइड 250 बुक्स टू अ स्कूल एंड अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 12%। 250 बुक्स यानी कि 250 बुक्स उस किसी बुक सेलर ने स्कूल को दी और उस पर 12% का उसको प्रॉफिट हुआ। इफ़ ईच बुक कॉस्ट हिम ₹240, अगर वन बुक की कॉस्ट 240 है, देन फाइंड हिज टोटल सेलिंग प्राइस। तो हमें उसका टोटल सेलिंग प्राइस और टोटल प्रॉफिट बताना है। तो हमें पता है, देखो वन बुक की कॉस्ट कितनी है, 240, तो 250 बुक्स की कॉस्ट कैसे निकलेगी, 240 इंटू 250 आपकी आ गई 60,000। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 12%, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। हमें पता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। हमने रख दिया, वैल्यूज रख दी, आपका आया 112 अपॉन 100 इंटू 60,000, ये आपको मिलेगा 67,200। तो आपका एसपी आ गया 67,200। हमें पता है एसपी ग्रेटर है सीपी से, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है, और आपका एसपी है 67,200 और आपका सीपी है 60,000, तो आपको 7,200 का प्रॉफिट हुआ। ओके, देखिए यहाँ लिखा हुआ है टोटल सेलिंग प्राइस आपका 67,200 और टोटल प्रॉफिट आपको ₹7,200। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर जॉर्ज परचेज्ड अ टेबल ऑफ ₹1325 एंड स्पेंट अ सम ऑफ ₹75 एज ए ट्रांसपोर्टेशन। देखो उन्होंने एक टेबल खरीदी कितने रुपीज़ की, 1325 रुपीज़ की, और 75 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन में लगे, तो यानी कि जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो 75 है। उसके बाद हमसे पूछे है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल। अब उन्हें 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो उन्हें कितने रुपीज़ में वो बेचनी चाहिए, यानी कि हमें एसपी निकालना है और हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। तो देखो पहले तो हमें सीपी पता होना चाहिए, एक्चुअल सीपी, क्योंकि यहाँ ओवरहेड एक्सपेंसेस भी है। तो हम टेबल के सीपी में ओवरहेड एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो हमें टोटल सीपी मिलेगा। देन प्रॉफिट परसेंट हमें पता है, एसपी का फॉर्मूला हमें पता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू अपॉन 100 इंटू सीपी। तो हमने वैल्यूज रख दी, 100 आपको मिलेगा 115 अपॉन 100 इंटू 1400। तो ज़ीरो से ज़ीरोस कट जाएंगे, 115 के आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ₹1610, यानी कि 1610 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर परचेज 60 kg ऑफ एप्पल्स फॉर ₹1500। 60 kg एप्पल्स थे ₹1500 के। ओके, ऑन ओपनिंग द फ्रूट बॉक्सेस दैट ही फाउंड दैट 10 kg वर रोटन। जब उसने बॉक्स खोला तो उसने देखा 60 kg में से 10 kg बेकार थे, तो अब उसके पास बचे कितने एप्पल, 60 - 10 यानी कि 50 kg एप्पल बचे। अब उसको जो बेचने हैं वो 50 kg एप्पल्स बेचने हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं, सेकंड, एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल द रिमेनिंग एप्पल। अब वो कितने रुपीस में, कितने सेलिंग प्राइस में एप्पल बेचे कि उसको जो उसने यूज़ किया था ट्रांजेक्शन, यानी कि जो ₹1500 यूज़ किए थे उस पर 20% का उसे प्रॉफिट होना चाहिए होल ट्रांजेक्शन पर। तो हमने देखो क्या किया, सबसे पहले हमने सीपी निकाला,
60 kg एप्पल्स का सीपी 1500 था, ओके। तो 1 kg एप्पल का 1500 अपॉन 60, तो क्या आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा, ₹25। 1 kg का तो आपका आ गया रुपीज। अब हमें पता है रोटन एप्पल्स कितने थे, 10 kg, तो 10 kg रोटन हो गए, तो बचे कितने एप्पल्स, 50 kg। अब हमें उसे जो प्रॉफिट हुआ है होल ट्रांजेक्शन में, वो 20% प्रॉफिट होना चाहिए। होल ट्रांजेक्शन से मतलब है जो सीपी था उसका, एक्चुअल सीपी था 1500, जो 60 kg एप्पल्स का प्राइस था उससे मतलब है होल ट्रांजेक्शन। यहाँ हम 50 kg की बात नहीं कर रहे, हम होल ट्रांजेक्शन में हम वो अमाउंट यूज़ कर रहे हैं जो उसने स्पेंड की थी खरीदने में। अब हमें एसपी भी होल ट्रांजेक्शन पे देखना है। अब हमने एसपी देखा, हमें एसपी का फॉर्मूला पता है। सीपी यहाँ मैंने ब्रैकेट में होल ट्रांजेक्शन इसलिए लिखा है क्योंकि हम इस सीपी की बात करेंगे। कभी हम, कभी कुछ स्टूडेंट्स 50 kg के सीपी निकालते हैं तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, होल ट्रांजेक्शन में जो आपका गिवन सीपी उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा 120 अपॉन 100 इंटू 1500। तो आपको 50 kg का जो सेलिंग प्राइस मिल गया वो आपको 1800 मिल गया, लेकिन उसने हमसे पर केजी का पूछा है। जब 50 kg का 1800 है तो 1 kg का क्या होगा, 1800 अपॉन 50, यानी कि 36 पर केजी, ओके। तो होल ट्रांजेक्शन पे जो हमें सेलिंग प्राइस आया वो तो आया 1800, और आपका पर केजी एप्पल जो बिकना चाहिए वो 36 पर केजी बिकना चाहिए। पहले आपका 25 था ना, अब उसे प्रॉफिट चाहिए तो 36 पर केजी वो सेल करेगा, ओके। अब इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस और एग्जांपल्स आप खुद करेंगे, जो नहीं होंगे वो हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे, ओके।